नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टेको भारत। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में एक नया टॉपिक रहेगा और उस नए टॉपिक पे मैं बात करूंगा आपसे। और इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। ये टॉपिक रहेगा कि जो बैंक्स हैं, अनवांटेड पैसे जो बैंक से लोगों के काट रहे हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को, वो मैं आपको इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि एक मेरे परिजन है, उनके साथ ऐसा हुआ है। तो वही बात मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जनरली दोस्तों, इस यूट्यूब पे ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि जिन लोगों के अनवांटेड पैसे कट रहे हैं, वो अपने बैंकों से ज़रूर कंसर्न करें। क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक बैंक पे जो पैसे अनवांटेड काटते हैं, क्या क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर एक वीडियो बनाई है। उसको आई क्यू बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हो, सारी उस पर इंफॉर्मेशन दी है। लेकिन दोस्तों, आज कुछ ऐसा ही हुआ, एक मेरे परिजन हैं, उनके बैंक से पैसे कटे। तो वो पैसे ऐसे टाइम में कटे हैं जिस टाइम में पैसों की बहुत सख्त से सख्त ज़रूरत है। तो ऐसे टाइम में बैंक पैसे काट रहा है। तो दोस्तों, आपने न्यूज़ सुनी होगी, जब लॉकडाउन का टाइम डिक्लेयर किया गया था माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कि 21 दिन का लॉकडाउन है, फिर उसके बाद ये एक्सटेंड हुआ 19 दिन का। तो उस दौरान अगर काम धंधे सबके बंद हो गए, तो आरबीआई ने भी एक एडवाइजरी, खातों में पैसे नहीं हैं, मिनिमम अमाउंट नहीं है, तो उनके भी पैसे नहीं बैंक चार्ज करेगा। जो हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं, उन्होंने तक ये बात कही थी कि किसी का भी कोई पैसा नहीं कटेगा, लेकिन बैंक मान नहीं रहे हैं, बैंक फिर भी काट रहे हैं। अब ये बताइए कि ये बैंक सरकार से भी ऊपर हो गए हैं, आरबीआई से भी ऊपर हैं, जो अपनी मर्जी से बैंक पैसे काट रहा है। दोस्तों, जिसके अकाउंट से पैसे कटे हैं, वो मेरे जानकार हैं, उनके अकाउंट में पैसे एक मिनिमम अमाउंट से ऊपर हैं। बैंक ऑफ इंडिया BOI में उनका अकाउंट है, उसमें 1000 रुपये मिनिमम बैलेंस रखने की रिक्वायरमेंट है, उनके 1000 रुपये से भी ऊपर हैं। आप ये स्क्रीनशॉट देख रहे हो, वो स्क्रीनशॉट मैंने मैसेज का लगाया हुआ है, उसमें देखा जा सकता है कि उनके 1000 रुपये से ज़्यादा अकाउंट में पैसे हैं और उनके 188 रुपये 80 पैसे उनके अकाउंट से 30 तारीख की डेट में काट लिए गए। तो दोस्तों, ये बैंक कर क्या रहा है, अपनी मर्जी से कुछ भी पैसे काट लेता है। अब पता है दोस्तों, किसी के मतलब दिक्कत इतनी ज़्यादा है कि कोई बैंक में तो बार बार चक्कर काटेगा नहीं कि मेरे 188 रुपये काट लिए हैं, आपने किस पर्पज़ से काटे हैं। उस पर लिखा हुआ है कि मिनिमम बैलेंस आपने मेंटेन नहीं किया, उसके पैसे काट लिए हैं। वो बैलेंस तो उसमें अकाउंट में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और प्लस इस दौरान तो पैसे आपको काटने ही नहीं थे बैंक ने, क्योंकि ये खुद फाइनेंशियल मिनिस्टर RBI ने खुद कह रखा है कि अगर आपके लॉकडाउन के दौरान मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन कर रहे हो, नहीं हो पा रहा है, तो आपके पैसे अकाउंट से नहीं कटेंगे। तो बैंक मान ही नहीं रहा है, फिर भी काटे जा रहा है। मेरे कुछ दोस्त हैं, बल्कि इवन मैं भी बताता हूँ, जो RBI ने एक एडवाइजरी दी थी कि बैंक 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दें EMI, और EMI 3 महीने के बाद काटें लोगों की, और जिसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट ना लगाएं, और उस EMI को 3 महीने बाद दें, लेकिन बैंक नहीं मान रहे हैं, बैंक धड़ाधड़ काटे जा रहे हैं। एक शेड्यूल जो बना हुआ है, उसमें बैंक पैसे काटे जा रहे हैं, लोगों की EMI कट रही है, बल्कि मेरी खुद की EMI कटी है। तो दोस्तों, इस तरीके से ना बैंक अपनी मनमानी करते जा रहे हैं, इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। मैंने इनके ऊपर वीडियो बनाई है, बहुत इनके बारे में पढ़ा भी है। ये बैंक धीरे धीरे आके एक तरीके से तानाशाही सिस्टम हो रहा है इनका। ये जब चाहे किसी के भी पैसे काट लें, जब चाहे कुछ भी कर लें, इनकी मर्जी होती है। तो दोस्तों, ये मेरा मैसेज इसलिए वीडियो बनाने का है कि आप इस इन्फॉर्मेशन को दूसरों के साथ भी शेयर करो, और जिसके भी पैसे कटते हैं वो बैंक से कंसर्न करें, और कि भाई मेरे पैसे क्यों काट लिए तुमने, क्या वजह है। और जो बैंक इस तरीके से ज़्यादा काटता है कुछ है, वहाँ अपना अकाउंट क्लोज करा के दूसरे बैंक में सर्विस लो, मैं क्या फ़ायदा है सेवा, इतना इंटरेस्ट देता नहीं है बैंक, और लेकिन काट इतना लेता है कि बेहिसाब। अरे बैंक के NPA जो बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग हैं, वो पैसा बैंक वालों का लेके भाग रहे हैं, तो हमसे क्या वो पूर्ति करेंगे उस पैसे को। हमारे थोड़े थोड़े 200 कभी 150 पैसे काट के हमारे को दुखी कर रहे हैं, तो ये तो नजायज़ है।
अगर आप बैंक में आपके खाता खोला तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जो पूंजी है उसमें से आप काटते रहोगे, बेवजह काटते रहोगे। पैसा हमारा रखा हुआ है तो आपको रखना है, नहीं रखना आप बता दो कि हम नहीं रख सकते, मेंटेन नहीं कर सकते आपके पैसे को, आप अपने पास रखो। तो बैंक हमारे, ये मेरी अर्जाज है कि गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि ये बैंक अनवांटेड पैसे ना काटे और लोगों को परेशान ना करें, क्योंकि ये दौर वैसे ही परेशानी का है। और इसमें खुद गवर्नमेंट ने कहा था कि किसी के भी पैसे ऐसे ना काटे जाएं, और जिनकी ईएमआई चल रही हो वो एक्सटेंड रहे, एक्सटेंड मतलब 3 महीने के बाद स्टार्ट हो, लेकिन बैंक लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये तो बैंक तो लगता है सरकार नियम कानून से ऊपर बने हुए हैं, जिस मर्जी का जैसे तैसे भी पैसा खा लो और उड़ा लो, और जनता पागल है पागल बनी रहने दो, वो अपने पैसे के लिए मरती रहे गिरती रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बैंक वालों की, बैंक्स की अपनी बहुत ही एक मोनोपोली बनती जा रही है। तो दोस्तों इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी होगी, अगर अभी आवाज़ नहीं उठी तो ये और होता जाएगा, क्योंकि आज आपने देखा भी होगा पीछे दो बैंक्स किस तरीके से बैंक करप्ट हुए, येस बैंक हो गया आपका, पीएमसी बैंक हो गया जो महाराष्ट्र में था, जो महाराष्ट्र का बैंक था उसमें तो लूट गए थे लोग, और येस बैंक में भी लूट गए काफ़ी लोग, क्योंकि येस बैंक में लूट गए और ये लॉकडाउन पड़ गया, किसी को उस न्यूज़ दिखाने का वक्त भी नहीं है, तो दोस्तों उसमें भी लोगों का पैसा काफ़ी फंस गया। अब ये बताइए कि बैंक में पैसा रखे तो कहाँ रखे आदमी, एक तरीके से बैंक लुटेरे बनते जा रहे हैं, लोगों का पैसा लूटने में लगे हुए हैं। आदमी अपनी मेहनत की कमाई बैंक में सेव करता है कि इसलिए कि वो मेरे गंभीर टाइम में, एक ऐसे टाइम में मेरे काम आएगी, लेकिन बैंक क्या कर रहा है, उस पैसे को अपने यूज़ में ले रहा है, अपने एनपीए को कम करने के लिए, अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए लोगों के पैसे को यूज़ कर रहा है और लोगों को ही धोखा दे रहा है। तो दोस्तों ये बहुत गलत बात है बैंक की, और बहुत गलत हो रहा है लोगों के साथ, इसके लिए हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए और इनके खिलाफ बोलना चाहिए कि आप अनवांटेड पैसे हमारे अकाउंट से नहीं काट सकते। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे किसी जानकारी के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।